रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और मूंगफली से बहुत ही मज़ेदार सी चाट। तो इसके लिए मैंने ये हाफ प्याली चने की दाल ली है, जिसको मैं आधा घंटा भिगोऊंगी और फिर इसको बॉईल कर लूँगी। तो ये मैंने बॉईल कर ली है और अब बिल्कुल ये नरम सी हो गई है। और ये देखें तो इसको इस प्लेट में डाल देंगे। ये 7 टेबल स्पून इमली का पल्प है जो कि थोड़ा सा पतला है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून एक टीस्पून इसमें चीनी डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब ये 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। टेबलस्पून ये वाले हैं। इसमें ये स्मॉल साइज़ की प्याज है जिसको बारीक काट लिया है, यह हम ये शामिल कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। अभी हल्की हल्की गोल्डन होने लगी है तो इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, एक बारीक कटी हुई। इसको बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। 1 मिनट हो गया है तो अब ये हाफ प्याली ही मूँगफलियाँ जितनी चने की दाल हुई थी वो डाल देंगे। इसको अभी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन मैंने 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको फ्राई करने के बाद इस चने की दाल में डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनेगी, आपको यकीनन पसंद। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स कर लिए अच्छी तरह से। इसमें अब ये हरा धनिया डाल देंगे और ये 3 हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे। 2 स्मॉल साइज़ के जो टमाटर थे वो डाल देंगे और वो जो इमली के पल्प में चीनी मिलाई थी वो डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त लग रही है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। अब ये कच्ची प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। तो देखिए, ये बहुत मज़ेदार सी चने की दाल और मूंगफली की चाट तैयार है जो आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।